नयापुरा विवेकानंद सर्किल के आसपास निजी बस संचालकों के द्वारा घंटों अपनी बसों को खड़ा किया जाता है, जिससे मार्ग तो अवरुद्ध होता ही है, साथ ही में रोडवेज को भी इसका नुकसान उठाना पड़ता है। पिछली सरकार ने निजी बस संचालकों को करोड़ों रुपए की लागत से निजी बस स्टैंड उपलब्ध करवाया था, लेकिन उसके बावजूद भी निजी बस संचालकों का नयापुरा चौराहे से मोह नहीं छूट रहा है। पिछले दिनों जिला कलेक्टर ने बैठक के दौरान संयुक्त रूप से जिला परिवहन विभाग व ट्रैफिक पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, ताकि नयापुरा चौराहे के आसपास निजी बसों का जमावड़ा ना हो, लेकिन जिला कलेक्टर के आदेश के बावजूद भी निजी बस संचालकों के द्वारा जिला कलेक्टर के आदेश की अवहेलना की जा रही है, ना ही जिला परिवहन विभाग पर यातायात पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई की है। प्राइवेट बसों का बहुत ज्यादा लगती है ऊपर चौराहे पे, इससे रोडवेज को भारी नुकसान है, क्योंकि ऊपर चौराहे पे इनका 2 मिनट का दिया था राज्य सरकार ने ठहरने का, इनको नया बस स्टैंड में बना दिया मगर वहाँ नहीं जाते हैं, ये रोडवेज के बस स्टैंड के आगे पीछे घूमते हैं, पुलिया के नीचे खड़ी कर देते हैं, इंदौर उज्जैन भोपाल सीपरी श्योपुर बारा सब देखेगी सारी प्राइवेट बसें बड़े के नीचे खड़ी रहती है रतन कचहरी वाले की यहाँ, और इससे जनता को भी परेशानी होती है और रोडवेज को तो भारी परेशानी है, क्योंकि रोडवेज के यात्रियों को ऊपर ही रोक लेते हैं और इनको नया बस स्टैंड बना दिया तो इनको वहाँ जाना चाहिए।